आज की डेट में आपको अब समझ में आएगा कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे जाके एक्चुअल नीट का एग्जाम देना है थोड़ा एंजाइटी थी स्ट्रेस था बट एट द सेम टाइम एक्साइटमेंट भी था कि जिस एग्जाम के लिए शिद्दत से दो साल मेहनत की है टाइम आ गया है अपना बेस्ट देने का और यही दिमाग में था दो टॉप सबसे इंपॉर्टेंट सजेशंस आप सबके लिए पहला ये कि जैसे ही आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर पता चल रहा है एक बार विजिट कर लो आधा घंटा वहां पर घूम घाम लेना यार आसपास जिससे आप एक्लिमिटाइज हो जाओ जिससे एग्जाम के डे आपको ऐसा फील ना हो कि यार आप एलियनेटेड फील ना करो ऐसा ना फील करो कि यार ये चीज़, ये चीज जगह तो कभी देखी ही नहीं है एंड इसके साथ साथ एग्जामिनेशन डे प्लीज थोड़ा जल्दी नहीं थोड़ा सा और जल्दी निकलना बिकॉज इक्कीस लाख लोगों से भी ज्यादा लोगों ने नीट का जो है वो फॉर्म भरा है एंड भीड़ होने वाली है सो so लेट मत करना दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन आप सबके लिए लास्ट टाइम 2022 में 17 जुलाई को नीट का डेट थी एंड 12 जुलाई को एग्जामिनेशन का जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज हुआ था दैट इज डेज बिफोर द नीट एग्जामिनेशन सो होपफुली आज या फिर कल जो है आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा जैसे एडमिट कार्ड रिलीज होगा आपको यूट्यूब पे पचासो वीडियो दिख जाएंगे एडमिट कार्ड रिलीज आपको क्या कर लेना है पहले ट्राई कर लेना है, एक बार के यार एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड हो जा रहा है 99% चांस है कि वो डाउनलोड नहीं होगा क्योंकि साइट क्रैश हो जाएगी इतना ज्यादा ट्रैफिक आता है सो माई सजेशन टू यू विल बी अपने पापा या मम्मी को बोल देना सुबह दो बजे से लेकर पांच बजे जबकि वेब का जो ट्रैफिक है सबसे कम होता है उस टाइम का एक अलार्म लगा लेंगे और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उठकर वो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे नेक्स्ट डे जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर को आप विजिट कर लोगे दैट्स ऑल आप अपनी प्रिपरेशन और रिविजन स्ट्रेटेजी से अगर रिवाइज कर रहे हो स्टिक टू दैट पढ़ते रहो बायो और केमिस्ट्री पर ज्यादा फोकस करना है जिन लोगों ने पहले अच्छे से फिजिक्स नहीं पढ़ी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फिजिक्स बहुत मत उठाओ जितने टाइम में आप फिजिक्स का एक या दो टॉपिक करोगे उतने टाइम में पूरे बायो का एक एक चैप्टर दो चैप्टर रिवाइज हो जाएगा तो डू दैट फिजिक्स में खींचतान के अगर आपने पहले बिल्कुल नहीं पढ़ाई पढ़ाएगी तो चार से पांच ऐसे टॉपिक्स मैंने बताए आपको कि खींचतान के आपको पंद्रह से बीस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं शिद्दत के साथ अच्छे से टाइम देकर वो कौन से टॉपिक्स है आप यहां पर देख सकते हो केवल ये आप पंद्रह से बीस क्वेश्चन अटेम करो बाकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी में सिली मिस्टेक नहीं करनी है अपना बेस्ट परफॉर्म करना है विश यू ऑल द वेरी बेस्ट मैं आपके साथ था हूं और रहूंगा और अपना जितना मेहनत कर सको उतना करो और अपना बेस्ट देके आना एक्चुअल एग्जामिनेशन में माय बेस्ट विशेष टू ऑल ऑफ यू सब्सक्राइब कर लेना चैनल और लाइक बटन को हिट करना सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट बाय टेक केयर